નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિ કાર્યક્રમમાં બધાનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આપને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વને અમે અતિથિ કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપીએ છીએ અને મુલાકાત કરાવીએ છીએ આપની સાથે. અંતરંગ વાતો કરી અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિ સાથેની એવા વિવિધ પાસાઓ તેમના જીવનના આપની સમક્ષ મૂકીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આજે અતિથિ કાર્યક્રમમાં મહેમાન છે ભારત દેશના એક વરિષ્ઠ સંત આચાર્ય સ્વામી ધર્મેન્દ્રજી મહારાજ. ધર્મેન્દ્રજી, આપકા સ્વાગત હૈ. મહારાજજી, સબસે પહેલા તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે હિન્દુસ્તાન મેં પિછલે 4-5-7 સાલો સે કહીં ના કહીં ધર્મ કે ઉપર, હિન્દુ ધર્મ કે ઉપર થોડા અટેક યા તો પ્રહાર બઢે હૈ, ક્યા કહેના ચાહેંગે ઇસસે? પહેલી વાત, હિન્દુસ્તાન નહીં, હિન્દુસ્તાન હિન્દુઓ કે રહેને કા સ્થાન, ઉસકો કહેતે હૈ હિન્દુસ્તાન. और हिंदुओं को जो ताने वो होता है हिंदुस्तान. तो जो हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान नहीं रहा है. हिंदुओं को तानने वाला, कसने वाला, उनको त्रास देने वाला स्थान बन गया है. और ये जो हुआ है, आपने कहा कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये भाषा हो गई है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, सर्वत्र देश के प्रत्येक कोने में बाहर से भीतर से हिंदुओं का जो एकमात्र स्थान है प्रमाणित रूप में, इतिहास और परंपरा से प्रमाणित और पुष्ट, केवल हिंदुओं का स्थान जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक, हिंदू इस देश की संतान के रूप में भगवान ने भारतवर्ष को और हिंदुओं को एक साथ उत्पन्न किया. उस समय उत्पन्न किया जब इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं था, आर्यावर्त भी नहीं था, ब्रह्मावर्त था, भरतखंड भी बाद में हुआ. तो इस देश को और उसकी हिंदू संतानों को, उसमें हमारा नाम भी हिंदू संतान नहीं था, तो एक साथ ये संतति और ये देश एक साथ उत्पन्न हुए. हमारा इस मिट्टी के साथ अभिन्न संबंध है, जिस प्रकार का हड्डियों के साथ, त्वचा के साथ, रक्त के साथ, मांस के साथ संबंध होता है अस्तित्व का, उसी प्रकार हमारा अभिन्न संबंध है. इस देश के अस्तित्व को हिंदुओं के अस्तित्व से अलग करके देखा नहीं जा सकता. हिंदुओं के बिना भारतवर्ष की और भारतवर्ष के बिना हिंदुओं की कल्पना. लेकिन मेरा जो सवाल है, नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं कि वो देश, हमारा अपना देश, माने हमारे मां की गोद, जो संसार में सबसे सुखद होनी चाहिए, निर्भय होनी चाहिए, निरापद होनी चाहिए अपनी संतानों के लिए, संतान के लिए माँ की गोद से ज्यादा निरापद और निर्भय दूसरा कोई स्थान नहीं होता. वही हमारे लिए त्रास का केंद्र बन गया है. और ये हुआ है, बाहर से आने वाले जो आक्रामक लोग थे, जो हमारी मूर्खता के कारण इस देश के अभिन्न अंग मान लिए गए, क्योंकि कोई लुटेरा बाहर से आए और हमारे घर में ही पैर पसार कर बैठ जाए, उसकी संतानें उत्पन्न होने लग जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, और फिर वो कहे कि हम इस देश के अभिन्न हिस्से हैं. वही स्थिति यहाँ पर मुसलमानों की है, मुगलों की है, तुर्कों की है, तातारों की है, मंगोलों की है, हबशियों की है. गुलामों के रूप में आए हों तो, मुगलों के रूप में आए हों तो, मंगोलों के रूप में आए हों तो, तुर्क तातारों के रूप में आए हों तो, अफगानों के रूप में आए हों तो, जितने भी लोग आए वो यहाँ आक्रमणकारी की हैसियत से आए. आचार्य जी, मैं अंग्रेज भी इसी हाल की अभी तो की परिस्थिति में उसकी बात, मैं वही बात कह रहा हूँ. आगे कोई संबंध यानी प्रश्न रह ही नहीं जाएगा. हमारा कहना यह है कि उनको इस देश का हिस्सा मानने की गलती, एक बहुत बड़ी भ्रांति की आंधी खड़ी की गांधी जी ने, और देश के भाग्याकाश में गांधी जी का जो उदय हुआ वो सूर्य के समान नहीं हुआ, चंद्रमा के समान नहीं हुआ, धूम केतु के समान हुआ. और इस उदय के पश्चात देश विपत्तियों के, भ्रांतियों के जाल में फंसता चला गया. आज जो दुर्दशा है हिंदुओं की, हिंदुओं के देश में, उसकी शुरुआत गांधी जी के उदय होने के बाद हुई. उन्होंने, ये तो पुरानी बात है, फिलहाल यही है
इस देश में धर्मनिरपेक्षता नाम की जो बीमारी है उसकी जड़ गांधी जी हैं। लेकिन पिछले 10 समानता जो है उसकी जड़ गांधी जी हैं। धर्मेंद्र जी 89 में जैसे वापस विश्व हिंदू परिषद ने बहुत प्रयास करने के बाद एक माहौल खड़ा किया था, आज की तारीख में कहीं लगता है कि जिस तरह से हो सकता है कि कहीं गलत तरीके से हिंदू धर्म के जो भी नेता है या तो धर्म गुरु है उनको बदनाम करने की चेष्टा हो रही है, क्या आप मानते हो? पिछले बदनाम करने की चेष्टा किसके द्वारा की जाती है? बदनामी और नेक नामी के जो कंट्रैक्टर हैं वो आजकल आप लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो जिसको चाहे तख्त पर बैठा दें जिसको चाहे तख्ते पर चढ़ा दें, क्योंकि लोगों के बेडरूम सुरक्षित नहीं है आप लोगों से, बाथरूम सुरक्षित नहीं है लोगों के आपसे, लोगों का निजी जीवन सुरक्षित नहीं है, ऐश्वर्या राय की शादी कहाँ हो रही है, बैंड बाजा कहाँ का है, बैंड बाजे वाले जो है कहाँ से ओरिजिन उनका बैंड कहाँ से, उसके जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, ऐश्वर्या राय जिस होटल में हनीमून मना रही है उस कमरे में जो बिछी हुई चद्दर है वो कहाँ से है, आई हुई है, ये सब जो लोगों के अंतरंग को व्यक्तिगत जीवन को एक्सपोज करने की जो प्रवृत्ति, यानी न्यूज देने की वृत्ति नहीं, न्यूज मेकिंग की जो वृत्ति आई है, समाचार बेचने की वृत्ति, मैं मानता हूं अपनी पूरी बात सुने, मैं आपके लिए थोड़ी कह रहा हूं बाबा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं सिटी चैनल ऐसा कर रहा है, आप बहुत अच्छे आदमी है, मैं अंत में आपको सर्टिफिकेट दूंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये किसी को नेक नाम और बदनाम करता है, तो क्या कारण है कि एक सामान्य एंकर एक सामान्य प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करता वो देखो एक रात के अंदर 1 अरब की संपत्ति लगा करके 100 करोड़ के बिना तो कोई चैनल स्वतंत्र स्थापित हो नहीं सकता, कहां से पूंजी आती है? तो जो मीडिया कर्मी या जो चैनल दुनिया भर के लोगों का भंडाफोड़ करते फिरते हैं उनको ईमानदारी से ये भी जाहिर करना चाहिए कि हमको ये चैनल रातों रात मार्केट में स्थापित करने के लिए लॉन्च करने के लिए पैसा कहां से मिला। बिल्कुल सही है, और अगर वो ये कहने में हिचकिचाते हैं तो फिर उनको देशभक्तों के दामन के ऊपर कीचड़ उछालने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं यही बात कर रहा हूं कि यही मीडिया आचार्य जी अगर कोई अच्छी बात करते हैं किसी धर्म या संप्रदाय के बारे में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं अलग बात होती है तो बुरे हो जाते हैं। देश के राष्ट्रीय मीडिया का ये कर्तव्य है कि देशद्रोही कहां से आए हैं, उनको कहां से पैसा मिलता है, वो क्या क्या कर रहे हैं। सोहराबुद्दीन कौर उसकी पत्नी को ग्लोरीफाई करने वाला मीडिया राष्ट्रीय मीडिया नहीं हो सकता, वणजारा को कटघरे में खड़ा करने वाला मीडिया जो है वो राष्ट्रीय मीडिया नहीं हो सकता, क्योंकि वणजारा और उसके सहयोगियों ने जिसका तथाकथित एनकाउंटर किया, जानबूझकर मार दिया या हत्या कर दी या सुपारी ले ली, यही तो विज्ञापित किया जा रहा है। तो बताया जाना चाहिए कि क्या पुलिस का काम सुपारी लेना हो गया है? ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो सुपारी लेकर काम करते हैं? लेकिन जहां सरकार एक बार कबूल कर लेती है कि हाँ हमसे गलती, सरकार ने कुछ भी किया, सरकार किस क्यों कबूल करती है कि क्या कबूल करती है, इसका मैं सरकार का स्पोक्समैन नहीं हूं। मैं केवल इतनी बात जानता हूं कि गुजरात की जनता, देश की जनता, देश के साधु संत ये अनुभव करते हैं कि इस देश में देशभक्त पुलिस वाले जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी आरडीएक्स पकड़ा गया है फैजाबाद स्टेशन के ऊपर और उसे 182 स्टेशनों को उड़ाने की तैयारी की जा रही थी और देश सारा का सारा सुलग रहा है और अभी ये तय हुआ है कि आसाम में जो उल्फा जो कुछ कर रहा है उसके तार सीधे सीधे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सारे टेलीफोनों के बिल जो है वो कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस नेताओं के द्वारा चुकाए जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पार्लियामेंट पर हमला करने वाले किसी गुंडे को फांसी दी जाए या नहीं दी जाए, जिसको न्यायपालिका सजा सुना चुकी है, ये निर्णय करने में दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इतना लंबा समय क्यों लगता है? लगाती है इतना क्यों समय लगता है? और अगर देश की जनता से पूछे कि अब्दुल गुरु को क्या करना चाहिए, न्यायालय में भेजना चाहिए, तो देश का 100% देशभक्त नागरिक ये कहेगा कि बिल्कुल न्यायालय में नहीं भेजना चाहिए, गोली छोड़ा देना चाहिए। और अगर कोई देशभक्त अधिकारी ऐसा काम करता है तो सारा मीडिया जो है उसकी बखिया उधेड़ने में और आचार्य जी हाँ मैं आपको रोकूंगा, क्या वक्त हुआ है थोड़ा ब्रेक का। दर्शक मित्रों आवाज चालू रहे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज साथ पर तो ले लिया ब्रेक। દર્શક મિત્રો બ્રેક પછી આપ બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ અતિથિમાં, અને આજે અતિથિમાં અમારી સાથે હાજર છે વાત કરવા માટે ખૂબ જ જાણીતા સંત હિન્દુસ્તાન હું બોલું છું, કારણ કે બ્રેક પહેલા જ ધર્મેન્દ્રજી મહારાજે કીધું કે હિન્દુસ્તાન નહીં પરંતુ હિન્દુસ્તાન,
તો સ્પેસિફિકલી કહું છું કે હિન્દુસ્તાનના ખૂબ જ સંત, જાણીતા સંત અને સંત શિરોમણી કહી શકાય તેવા આચાર્ય ધર્મેન્દ્રજી મહારાજ. ધર્મેન્દ્રજી વહી બાત પે મેં આ રહા હું, બ્રેક સે પહેલા આપને બતા કે સોરા બુદ્ધિ કો જિસ પુલિસ ઓફિસર ને ઉસકો મારા, આપ ઉનકો જસ્ટિફિકેશન દે રહે કે નહીં ઇન્હોને પ્રોપર કિયા? નો, મેં એક પ્રશ્ન ખડા કર રહા હું. દેશ કી જનતા યે જાનના ચાહતી હૈ કે એક આઈપીએસ રાજસ્થાન કા, દો આઈપીએસ રાજસ્થાન કે, ये गुजरात के, इन तीनों की सोहराबुद्दीन नाम के गुंडे के साथ कौन सी जाति दुश्मनी थी? कोई आशनाई का मामला था, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा था? ये तीनों की तीनों मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके एक गुंडे के पीछे कैसे पड़ गए, और उस गुंडे की भी हिस्ट्री देखी जानी चाहिए. यानी आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस, गुजरात पुलिस ने जो भी कार्य किया उसको आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, जो भी काम किया नहीं, मैं गुजरात पुलिस की संपूर्ण करतूतों को या उनके कारनामों को मैं कोई एनओसी नहीं दे रहा हूं, क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि ये जो विशेष घटना घटी है, सोहराबुद्दीन इसमें मतलब क्रिमिनल था इसलिए उसको मारा. सारी दुनिया जो है जानती है कि कौसर बी के बारे में क्या? नहीं तो कौसर बी को मैं क्या जानू? कौसर बी के बारे में देखिए मेरी बात सुनिए, कोई भी महिला या कोई भी कन्या उसकी क्या बैकग्राउंड है, मीडिया को इस बात की, मीडिया सब जानती है. और जो इतनी ज्यादा जासूसी करती है, यानी ये एक हिडन आई का काम कर रही है, तो उसको ऐश्वर्या राय के बेडरूमों की बजाय इस प्रकार की महिलाओं की भी अंतरंग बातें जाननी चाहिए कि उनका स्रोत कहाँ है, उनको कौन प्रोत्साहन दे रहा है, उनका उनकी पृष्ठभूमि क्या है. हमारा कहना यह है कि जो संदिग्ध हैं उनको ये प्रमाणित करना चाहिए कि वो संदेह के योग्य नहीं है, और जिनका कंप्लीट कैरेक्टर संदिग्ध है. अक्षरधाम पर आक्रमण करने वाले लोग अभी तक खुले क्यों घूम रहे हैं? उनके सोर्सेज जो हैं वो कहां कहां हैं? क्या कारण है कि आज जम्मू कश्मीर में हम खुलेआम तिरंगा झंडा फहरा नहीं सकते, और घाटी में जिन लोगों को छोड़ा गया था उन लोगों ने आज हिंदुओं का, देशभक्तों का जीना हराम कर रखा है. पूरा देश असुरक्षा के ज्वालामुखी पर, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है. तो हमारे एक बहुत देशभक्त कवि हुआ करते थे प्रदीप, उन्होंने बड़े उच्च कोटि के गीत लिखे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जहां की हिंदुस्तान की, गीत उनका लिखा हुआ है, मेरे वतन के लोगों, गीत उनका लिखा हुआ है. उन्होंने एक गीत लिखा था, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया. उस समय आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद पनपा नहीं था. तो आज जब इस्लामी आतंकवाद का एक प्रेत चारों तरफ मंडरा रहा है, उसमें ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता. बिल्कुल धर्म होता है, जिहाद उसका धर्म है, काफिरों को कत्लोगारत करना उसका एकमात्र उद्देश्य है. और इस प्रकार की जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उनके विरोध में केवल एक पॉलिटिकल लीडर तो खड़ा नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टियां भी खड़ी नहीं होंगी, तो देश को कौन बचा सकता है? आज आए और कल गए इस प्रकार के मिनिस्टर, इस प्रकार के एमएलए और ऐसे एमपी भी खड़े नहीं बचाएंगे. देश को बचाएगी तो केवल मिलिट्री बचाएगी, और देश को बचाएगी तो पुलिस बचाएगी. और अगर देशभक्त पुलिस और देशभक्त मिलिट्री अगर देशद्रोहियों का दमन करती है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? गीता जौहरी ये जो विलाप कर रही है, आर्तनाद कर रही है कि मुझे कोऑपरेट नहीं कहा किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहती हैं? पुलिस ऑफिसरों से जबरदस्ती वो कबूल करवाना चाहती हैं कि उन्होंने जो एजेंडा बना रखा है, उन्होंने जो डायलॉग लिख रखे हैं कि मुझे मेरी स्क्रीन प्ले में पुलिस ऑफिसरों से ये डायलॉग बुलवाने हैं. आचार्य जी, तो वो डायलॉग पुलिस ऑफिसर रिपीट करें. आपके स्टेटमेंट में लग रहा है कि मोदी जी के हर एक स्टेप का आप पूरी तरह डिफेंड करें, उनको बचाओ. इसमें मोदी जी कहां से आ गए? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया. सरकार के सर्वोच्च बाबा भाई, मैं तो मोदी जी का नाम ही नहीं ले रहा हूं. मोदी जी इसमें आप ला रहे हो. मोदी जी इस एपिसोड में, जो ये एपिसोड आप प्रस्तुत कर रहे हैं इस एपिसोड में, अभी सीरियल में भी मोदी जी कहीं नहीं है. मैं ये कह रहा हूं कि महामहिम महीयसी गीता जौहरी, उनकी अधिक से अधिक उपलब्धि होगी कि उनके कंधे पर एक दो स्टार, और स्टार की जगह नहीं बचेगी तो अशोक चिन्ह लग जाएगा. उसके लिए वो क्या चाहती हैं कि सारे के सारे जो आईपीएस पुलिस वाले हैं या उच्चाधिकारी हैं वो जैसे जैसे वो कहें उस तरह से प्राइमरी क्लास के बच्चों के समान वो जो जो बोले वो सब रिपीट करते जाए. एफ आर एप्पल, हाँ एफ आर एप्पल. वो कहें दिन है, हाँ दिन है. वो कहें कि बोलो ये सोहराबुद्दीन बड़ा निरीह, बड़ा मासूम आदमी था, तो कहें हाँ यस मैडम. आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज, स्वामी जी कुछ साल पहले विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही करीबी थे और तेज तर्रार वक्ता, प्रवक्ता के हिसाब से आचार्य धर्मेंद्र जी, स्वामी जी अपने आप को रखते थे. लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले कुछ समय से विश्व हिंदू परिषद से आपकी दूरी बढ़ी है. यानी सोहराबुद्दीन को छोड़ दिया आपने, अब दूसरा विषय है.
विश्व हिंदू परिषद मेरा, मेरी चमड़ी, मेरी हड्डी, मेरा मांस, मेरा रक्त, मेरा अस्तित्व, मैं उससे कहीं अलग नहीं हूं। जिस प्रकार से ऑक्सीजन अलग नहीं किया जा सकता, मैं करीब कब था और अलग कब हुआ? मैं आज भी करीब हूं, करीब नहीं हूं। अगर आप बुलवाते थे करीब नहीं हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाते थे तो पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में बुलवाते, मैंने आपको नहीं, मैंने अपने होटल में बुलवाते। मैं देखिए हुजूर आला, मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया, इसको बदतमीजी न माना जाए। आप स्वयं मुझ पर कृपा करके, बराए मेहरबानी, आप खुद मेहरबानी करके आप तशरीफ लाए हैं मेरे गरीब खाने पर, जो इसमें मेरा गरीब खाना बना हुआ है। तो मेरे निवास स्थान पर आप स्वयं आए हैं, तो ये तो जो है वो बड़ी कृपा है आपकी। अब मैं न आपके स्टूडियो में जाना पसंद किया, न वणिकर भवन जाना पसंद किया, इसलिए कि मेरे घुटने में दर्द है और मैं जितना ज्यादा चलूंगा रिलैक्स मुझे मिलेगा नहीं। मैं इसको रिलैक्स देना चाहता हूं, क्योंकि मैं घुटनों से बहुत काम लेना चाहता हूं, क्योंकि घुटने किसी के सामने अभी तक झुके नहीं है, टेके नहीं गए हैं, आगे तक इनको मैं टेकना ही चाहता। इसलिए यदि मैं अपने निवास स्थान पर प्रेस को बुला रहा हूं, बुला नहीं रहा हूं, प्रेस खुद आ रहा है, तो ये प्रेस की मुझ पर कृपा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद तो आपका तो बहुत ही, मतलब प्रेस वाले से आपका बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बरसों से रहा, आपने प्रेस वालों से बहुत अच्छा रिश्ता भी रखा हुआ है। ये कॉम्प्लीमेंट है या? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, धन्यवाद आचार्य जी। दूसरा मेरा सवाल है कि भारत के राजकारण में कहीं ना कहीं जो एक 1989-1987 से लेकर करीबन 92-93-95 तक जो धर्म का एक प्रभाव था, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने बहुत ही, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके परिवार के साथ जुड़ी हुई हर एक संस्था बहुत ही डीप में जाके गांव-गांव तक जाके धर्म को गांव-गांव तक फैलाया था, और उस वजह से धर्म के जो भी गुरु थे, धर्म गुरु, उनका प्रभाव राजकारण पे था, भारतीय पॉलिटिक्स पे था। अभी लगता है आपको कि पिछले कई समय से इंडियन पॉलिटिक्स में धर्म का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, यानी इंडियन पॉलिटिक्स पर धर्म का प्रभाव कभी भी नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने और संतों ने अत्यंत कठोर परिश्रम करके सारे देश के गांव-गांव में जाकर के जो एक जागृति उत्पन्न की थी, हिंदू चेतना उत्पन्न की थी, वो हिंदू चेतना अपने पीक पर पहुंची और जनता ने 100% जनता ने, और केवल जनता ने ही बाबरी ढांचे को तोड़ दिया, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी प्लान के, बिना किसी योजना के। वो एक पराकाष्ठा थी हिंदू चेतना की, ज्वार की। उसमें मंडल कमीशन के जहर का भी कोई असर नहीं पड़ा, और ढांचा तोड़ने के बाद ऐसा लगा हिंदुओं को कि अब हमने खिलाफ फतह कर लिया है, और वो सबके सब जो है वो संतुष्ट हो गए। संतुष्टि जो होती है वो बड़ी खतरनाक चीज होती है, उससे प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। धीरू भाई अंबानी के बेटे जो है वो संतुष्ट हो जाएं कि अब काफी पैसा इकट्ठा हो गया है और इकट्ठा न करना है, नहीं करना है, तो फिर क्यों आलू प्याज बेचने पर और धनिया और लीली मिर्च बेचने पर उतर आएंगे वो? तो संतुष्टि कभी, जब संतुष्टि का मतलब है विकास रुक जाए, तो हिंदू जनता संतुष्ट हो गई। अब रह गई बात हिंदू विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद जो काम कल कर रहा था वो आज कर रहा है, आज जो कर रहा है वो कल करेगा, परंतु मीडिया को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जो रचनात्मक काम कर रहा है, वो जो भूकंप में सहायता करता रहता है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता है, या एकल विद्यालय चलाता है, या अनाथों के लिए जो कार्य करता है, उसमें उसको रुचि नहीं है। रुचि इस बात में है उसको कि कहां हंगामा खड़ा हो गया, कहां जो है वो क्या विश्व हिंदू परिषद की पहले जो मतलब पब्लिक के बीच में आके करती थी, क्या आपको लगता है कि अभी कुछ कम हुआ है उनका लोगों के बीच में जाना, या तो फिर सत्ता स्थान पे? देखिए दो व्यक्ति जो हैं वो बहुत सुख से के साथ रह रहे हैं, एक राजा और एक रानी, और उनका राज्य बड़े सुख से रह रहे हैं, बड़े सुख से। कहानी नहीं बनती, कहानी तब बनती है जब उसमें कोई ट्विस्ट आता है। तो विश्व हिंदू परिषद के रचनात्मक कार्यों के प्रति मीडिया को कोई रुचि नहीं है। जो जो कार्य परिषद ने हाथ में लिए हैं वो बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी सफलता के साथ वो संपन्न कर रही है। और रह गई राम मंदिर बनने की बात, तो राम मंदिर बनने का सारा दारोमदार अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों पर है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण की समस्या जो खड़ी की है वो राजनेताओं ने खड़ी की है, पॉलिटिकल्स लोगों ने खड़ी की है, और जब तक वो दूर नहीं होगी, जिस दिन हमारे पास जमीन आ जाएगी और एनओसी आ जाएगी केंद्र सरकार की कि ये जमीन हमने तुमको, हमसे जो छीनी हुई जमीन हमको वापस मिल जाएगी, तो हमने सारा का सारा पत्थर का जो वर्ग है वो आपका हर एक बोल उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उस जमाने में केंद्र में सत्ता पर रह चुके, लेकिन वहां पर भी शायद वो मंदिर बनाने में कहीं नाकाम रहे थे। इनका गुस्सा आपको आज बिल्कुल नाकाम। धर्मेंद्र जी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन दर्शक मित्रों ले लिए पहला एक नाना का ब्रेक।
દર્શક મિત્રો, બ્રેક પછી આપ બધાનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમ અતિથિમાન. આજે વાત કરી રહ્યા છે આપણે ધર્મેન્દ્રજી મહારાજ સાથે. ધર્મેન્દ્રજી, બ્રેક કે સર પહેલે વાત હો રહી થી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જો કે આપને ઉનકો સમર્થન દિયા થા, બાદ મે આપ કુછ નારાજ ભી હો ગયે થે ઉનકી વરિષ્ઠ નેતાગીરી સે, લેકિન ઉસ વક્ત ભી ક્યા વો નાકામ રહી, યા તો આપ ઉનકો સમજાને મે કહી નાકામ રહે કે ઇસમે ઉનકો જલ્દબાજી કરની ચાહીએ મંદિર બનાને મે? સમજાને બુઝાને કા સમય નહીં રહેતા. जब व्यक्ति का लक्ष्य हो सत्ता प्राप्त करना, किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करके सत्ता को बनाए रखना, तो एक तो हिंदू राष्ट्र बनाना और दूसरा सरकार बनाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. उनका ये मत था कि हम पहले सरकार बनाने उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाए. हमारा कहना था कि तुम जब सरकार बना लोगे तो सरकार बनाने में और उसको बचाए रखने में तुम्हारा सारा ध्यान केंद्रित रहेगा. रह गई बात हमारी असहमति की, तो आप क्या चाहते हैं कि सारे संत और पूरा विश्व हिंदू परिषद और पूरा हिंदू परिवार वो जो जो लोग कुर्सी पर बैठते जाएं कि हमें हम मिलाते जाएं? तो बाबू कर ही नहीं सकते आप. तो हमारा कहना यह है कि इसलिए हमारी द्वारा जो बनाई हुई सरकारें हैं, हमारे द्वारा जो बैठाए हुए राजनेता हैं, वो गलती करेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम ईमानदारी से उनकी गलतियां बता रहे हैं. जनता के साथ खड़े हैं हम, सत्ता में भागीदारी नहीं चाहते और हम बार बार पुनः पुनः उनको इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया रास्ता ये नहीं है. अगर उन्होंने मान लिया होता कि रास्ता ये है, अगर उन्होंने तो शायद ये परिस्थिति तो फिर ये स्थिति. राहुल गांधी ने बहुत एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया था कि अगर नेहरू परिवार का कोई भी होता तो शायद बाबरी मस्जिद टूटती नहीं. गांधी, नेहरू गांधी परिवार का यदि कोई होता तो कौन होता, इस पर डिपेंड करता है. क्योंकि अगर पिताश्री होते राजीव भैया, तो राजीव भैया ने शिलान्यास करवाया और उनके कार्यकाल में ही ये सिंहद्वार का शिलान्यास हुआ. और अगर मान लीजिए इंदिरा जी होती तो क्या हुआ होता? तो इंदिरा जी कौन से पीरियड की इंदिरा जी होती? आपातकाल वाली इंदिरा जी होती या गोरक्षा आंदोलन के समय की इंदिरा जी होती? उनके बहुत स्वरूप. या पाकिस्तान तोड़ने वाली इंदिरा जी होती? तो उनको ये पता नहीं है राहुल बाबा को, क्योंकि राहुल बाबा जो है वो एकदम से प्रोजेक्ट कर दिए गए हैं इस भूमिका में. उनको बिना तैयारी के, विदाउट मेकअप के, उनको सीधा फ्लोर पर भेज दिया गया है कि तुम्हारी मर्जी है जैसा बोलो. और जो निर्देशक थे वो निर्देशक नहीं थे, वो चमचे हैं, स्पून से हैं सारे के सारे. तो वो उनको गाइड करने में और उनको ट्रीट करने में पूरी तरह से कुशल नहीं है. तो उनको नेहरू खानदान की पूरी पूरी बात कर लो, उनको मालूम नहीं है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एबीसीडी, वो नहीं जानते. अन्यथा सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान जो बना वो नेहरू गांधी फैमिली कांड बना. अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं बनता. और जो देश की वर्तमान दुर्दशा, उसका एकमात्र कारण जवाहरलाल नेहरू है. ये राहुल बाबा को मालूम नहीं है, जिस दिन मालूम होगा शायद संशोधन कर ले. आचार्य जी, राम सेतु के बारे में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं जो वहां पे विरोध कर रही है वहां की राज्य सरकार, इसके बारे में आपके क्या व्यू है? देखिए, जो काम औरंगजेब ने किया, जो काम महमूद गजनवी ने किया, जो काम बाबर ने किया, हिंदू धर्म तीर्थों को, हिंदू मठों को तोड़ने का काम, मंदिर बनाए जाते हैं आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं. राम सेतु आदमियों के द्वारा नहीं बनाया गया, वो एक महान संकल्प का स्मारक है. संसार के पूरी मानवता के इतिहास में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया जो भगवान श्री राम ने और उनके भक्तों ने करके दिखलाया. वो हिंदुत्व की धरोहर नहीं है, वो विश्व मानवता की धरोहर है. और संसार का कोई मूर्ख से मूर्ख राष्ट्र भी ये नहीं कर सकता कि जिसके पास इतनी अद्वितीय थाती है. बमियान में जिस प्रकार से बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ करके तालिबान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार लिया, अफगानिस्तान के पास दिखाने की योग्य और क्या था? कुछ नहीं, केवल रेत ही रेत, बालू ही बालू, पत्थर ही पत्थर. इसके अलावा अफगानिस्तान में और क्या है? जो एकमात्र दिखाने, गर्व और गौरव करने की जो चीज थी वो बमियान की बुद्ध प्रतिमाएं थी. उनको पापियों ने तोड़ डाला. आज राम सेतु को तोड़ने के पश्चात भागे और इस प्रकार का निर्माण फिर दोबारा कर सकते हैं क्या? ताजमहल दोबारा ज्यों का त्यों डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग आज और ज्यादा एडवांस हुई है. लेकिन राम सेतु दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता. तो जो दो काम तालिबान कर रहे हैं, जो काम ओसामा बिन लादेन कर रहा है, वही मनमोहन सिंह कर रहे हैं. क्योंकि मनमोहन सिंह की बैसाखियां जिन्होंने पकड़ रखी है, थाम रखी है, उन कम्युनिस्टों का सिर्फ तोड़ने फोड़ने में समर्थन वाजपेयी जी की सरकार ने भी दिया था उस वक्त. किनको? ये जो प्रस्ताव था उनको समर्थन एनडीए की सरकार के वक्त भी दिया. देखिए, मेरा कहना यह है कि सरकार जो चलाते हैं उनको गंभीरता से रीडिंग करने का कभी अवसर नहीं मिलता. और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में जो जो लोग बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं जानता हूं, कि मुरली मनोहर जोशी के अलावा किसी भी केंद्रीय मंत्री ने अपने विभाग के
का कार्य का और उसके उसकी नेचर का प्रकृति का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया और इतनी ईमानदारी से काम को अंजाम नहीं किया। वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ करने का प्रयास किया, बाकी सब लोग जो है इसलिए राम बोल सकते थे, इसलिए राम सेतु जी को तो हमें क्या मालूम था कि ये अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। राम सेतु की देखिए ये आप इतना ही नहीं बल्कि आप ये भी भूलते हैं कि जो गंगा को कैद करने का जो काम हुआ वो भी वाजपेयी सरकार की कार्यकाल में हुआ। बहुत सी भूलें की हैं कुर्सी पर बैठने वालों ने। इसलिए जो हम जो धर्म सत्ता के साथ हैं, हमारा ये कहना है कि राज सत्ता को धर्म सत्ता से निरंतर इंडिकेशन लेते रहना चाहिए, संदेश लेते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग जो कुछ कहेंगे वो राष्ट्र के हित में कहेंगे। कुछ आचार्य जी कुछ इंडिकेशन हम भी लेना चाहेंगे कि आपने बताया कि राजनेताओं को धर्म नेताओं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं लेना चाहिए, सब कहीं लेना चाहिए, सब कहीं लेना चाहिए। तो आने वाले दिनों में जैसे कि अभी कुछ ही महीनों में शायद नजदीकी समय में कहीं वापस चुनाव की एक माहौल भी दिख रहा है, तो क्या आप किसको मानते हो कि हु विल बी द एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर भविष्य में क्या होगा इसके बारे में मैं बेजान दारू वाला तो नहीं हूँ, इंडिकेशन मांग रहा हूँ। नहीं, इंडिकेशन की बात यह है कि जो जो यानी प्रस्तुतिकरण है आपका परफॉर्मेंस है वो बेटर से बेटर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना तेजस्वी हिंदू स्वरूप और हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को याद रखनी चाहिए कि हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व हमारी प्राण शक्ति है। और मुद्दा कभी उठा दिया जाता है, कभी रख दिया जाता है, कभी रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, कभी आलमारी में रख देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डिफीट हुआ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपना दल जैसी देवद्रोही नास्तिक हिंदू द्रोही पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। और अगर सीडी बन गई थी तो उसको हृदय पर हाथ रखकर कहना चाहिए था कि सीडी हमने बनाई है, ये फैक्ट है, ये सत्य है, आगे भी हम बनाएंगे। कहीं ना कहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन अगर रिजेक्ट कर देता, आपको अधिकार नहीं देता, तो आपको हिंदू फ्रंट के नाम से चुनाव लड़ना चाहिए था। एक्सट्रीम आपको एब्सोल्युटली मेजोरिटी प्राप्त होती। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपको लगता है अगर खुल के अगर बोल सके तो कि दोनों नाव पे पांव रख के चलना चाहती है अभी? धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, यानी वो चलते हैं। डार्कनेस और प्रकाश एक साथ, आप अपने डायलॉग में आप देखिए गीता उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, गीता जोहरी मत बनिए, उनको नहीं करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। या तो सीता सावित्री का देशी होगा या शिल्पा शेट्टी का देशी होगा। आप भारत को क्या बनाना चाहते हैं ये तय कीजिए, और अगर भारत को भारत बनाना है तो फिर राखी सावंतों से और शिल्पा शेट्टियों से देश को बचाना पड़ेगा। संस्कृति पर आक्रमण भी वही सब्जेक्ट मुझे आपसे बात भी करना था, संक्षिप्त में बहुत कम समय है। हमारा देश परिवार का देश है, परिवार की संस्कृति है। हिंदू संस्कृति का अर्थ है परिवार की संस्कृति। धर्म जो है उसका आधार स्तंभ परिवार है। उस परिवार की जगह अमेरिका वाले और अब चीन वाले भी बाजार को लाना चाहते हैं। मार्क्सवाद नाम की कोई चीज दुनिया में कहीं नहीं है जो हिंदुस्तान में पल रही है, जो केवल हिंदुस्तान के जो 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 मूर्ख लोग हैं वो जबरदस्ती उसकी अर्थी ढो रहे हैं। बुलेट के बल पर भी और बैलेट के बल पर भी वो मार्क्सवाद को लाना चाहते हैं। मार्क्सवाद दुनिया में सब जगह फेल हो चुका है। हिंदुत्व के 5 प्राण हैं, गीता, गंगा, गायत्री, गाय और गोविंद। उसी प्रकार से हिंदुत्व के और भारत माता के 5 शत्रु हैं, ईसाइयत, इस्लाम, धर्म निरपेक्षता, अंग्रेजी और कम्युनिज्म। तो ये जो 5 शत्रु हैं, ये सतत 5 शत्रु हैं। ईसाइयत शत्रु है भारतीयता की, इस्लाम शत्रु है भारतीयता का, कम्युनिज्म शत्रु है, वो संपूर्ण संस्कृति का शत्रु है। और इसी प्रकार से धर्म निरपेक्षता, अंग्रेजी। आचार्य जी बहुत ही आपने संक्षेप में बता दिया 5 शत्रु और 5 मुझे संक्षेप में नहीं बताने दिया। ठीक है आचार्य जी, खास मुझे ये पूछना है कि चंद्रा स्वामी जी ये जो राम सेतु के बारे में उनकी आपकी मूवमेंट है या उनकी मूवमेंट है, लेकिन दोनों एक ही विचारधारा पर आप साथ में चलते हो। एक जमाने में कहीं विश्व हिंदू परिषद की कड़ी आलोचना करने वाले चंद्रा स्वामी जी के बहुत ही थोड़ा नजदीकी धर्मेंद्र जी स्वामी जी कुछ आए हैं। चंद्रा स्वामी जी जिस समय हैदराबाद में पढ़ा करते थे, 13 साल के बच्चे थे उस समय, हमारे मूवमेंट के उनके पिताजी हमारे वॉलंटियर थे। वो हमारे विराटनगर के अत्यंत निकट एक गांव में रहने वाले निवासी हैं। वो अगर हमारे मंदिर में आएंगे तो उनको आने का पूरा पूरा अधिकार है। कल को अगर भाभी जी भी आएंगी तो उनको आने का पूरा पूरा अधिकार है। भाभी जी हमारे आने लग जाएं तो शायद देश का कल्याण हो जाए।
भाभी जी कम्युनिस्टों के पास जाती हैं, भाभी जी हमारे यहाँ आने लग जाएंगे तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। भाभी जी के बारे में जरा खुल के, भाभी जी बहुत अच्छी हैं, भाभी जी से सीखना चाहिए हिंदू भारतीय दीकरियों को कि साड़ी कैसे पहनी जाए, चुन्नट कैसे ली जाए, सिर पर आंचल कैसे लिया जाए, और केवल वोट मांगने के लिए सही, बड़ी बूढ़ियों की पैर कैसे छुए जाए, हिंदी कैसे सीखी जाए, इटली से आने के बाद हिंदी कैसे सीखी जाए, प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधारा जाए, बस केवल भाभी जी से यही सीखने की चीज है, बाकी और किसी चीज में भाभी जी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाजरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त बहुत कम है, बातें करना चाहे तो आपके साथ बहुत ही बात हो सकती है। दर्शक मित्रों आपने जोयुं प्रमाणे तेज तर्रार वक्ता एवा धर्मेंद्र स्वामी महाराज जी अने आचार्य धर्मेंद्र स्वामी महाराज जी अत्यारे अहींया अतिथि कार्यक्रम में आपने पूरे पूरा दरेके दरेक अलग अलग विषयों की चर्चा करी, खूब ज छणावट करवी छे, समय खूब ज ओछो छे जेने लईने कार्यक्रम अहींया टूंकावो पड़शे, पण दर्शक मित्रों आ कार्यक्रम केवो लाग्यो तमने जरूर थी लखीने मोकलावो। आ कार्यक्रम माटे आप अमने एसएमएस करी शको छो अने एसएमएस माटे आपना मोबाइल में टाइप करो अतिथि त्यारबाद स्पेस छोड़ीने आपनो अभिप्राय अने आपनुं नाम अमने एसएमएस करो 600663 पर। आप अमने ईमेल करीने आपनो अभिप्राय मोकली शको छो, अमारुं ईमेल एड्रेस atithi@citybroadband.com। दर्शक मित्रों आज अतिथि कार्यक्रम में एक नवा विशिष्ट व्यक्ति लईने फरी वार हाजर थईशुं, त्यां सुधी मने अने आचार्यजी ने रजा आपशो, नमस्कार। Thank you.